आज के प्रयोजन के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं विशाल कोठारी एंड अभिषेक दीक्षित को, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा ऐसा कदम उठाया जो इस वक्त बदलते भारत की आवश्यकता भी है, नीड ऑफ द आवर जिसको हम अंग्रेजी में भी कह सकते हैं। भारत में हमारे आत्मविश्वास को बहुत छीन छीन कर दिया गया पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन वो धीरे धीरे अब लौट रहा है स्पेशली युवाओं में। और उसके बाद भी हम असली धन्यवाद देंगे तो कलाकारों को देंगे, क्योंकि कल को जो आकार दे होता है कला का, और वो भी ऐसे कलाकारों को ज्यादा देंगे जो उभरते हुए और उभरते हुओं को और सहारा दे रहे हैं। तो मैं इंडियन आइडल की सीजन 1 की पूरी टीम को शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन करता हूं और बताता हूं पूरे भारतवर्ष को कि वो जो कहते हैं कि जी क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बहुत अच्छे अच्छे आए, अच्छे से रियलिटी शोज आते हैं, पर कहां चले गए। तो जी वो अब दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरों को अवसर दे रहे हैं, अन्यों को ऊपर ला रहे हैं, यही भारत की आवश्यकता है। देखिए सूरज तो एक ही है, चांद तो एक ही है, सागर तो एक ही है, हिमालय तो एक ही है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए न जाने कितने वृक्ष खड़े हैं, न जाने कितनी हवाएं बह रही हैं। तो ये सब इस तरह से अपना अपना किरदार, अपनी अपनी पात्रता और उसका चयन कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। मैं इंडियन आइडल की पूरी टीम को, जितने भी सीजन 1 की पूरी टीम इसमें लगी हुई है, जीतेगा फिर से इंडिया और भारत मेरा। तो ये दोनों ही विचार बड़े प्यारे हैं। इस पूरे प्रयोजन में, इस पूरे संयोजन में जितने साथी लोग आए हैं बढ़ चढ़कर, उनको भी मैं धन्यवाद के साथ अपना नमन ज्ञापित करता हूँ। उनके नाम है क्या है जी, ये ट्रस्ट का पहला नाम जो बी है, बी हेल्प वेलफेयर है पहली, तो तत्पश्चात कैलाश खेर फाउंडेशन भी उनके साथ जुड़ गई, उसके बाद आप ये बोर्ड पे देखिए ब्राइट भी है, सरोज जी है, वोयला है या वियोला है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी में हमारा शुरू से ही हाथ तंग रहा, लेकिन कुछ तंगी अच्छी होती है। बिग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, नाम ही बिग है, और साहेब बी हेल्प कहाँ पर है, स्वर, अच्छा स्वर आला साहेब, ये देखिए लिखा भी थोड़ा अलग है ढंग से है, थोड़ा देर लगेगी पकड़ने में, लेकिन फिर भी गहरा है स्वर आला डिजिटल। और ये क्या है सर, एमबीएम एमबीएम मौलवी विशाल बांस एमबीएम। ओ तो जिन्होंने म्यूजिक किया है उनका नाम है एमबीएम मौलवी विशाल मैक्स। तो उनको भी बहुत मैं अभिनंदन देता हूँ, और जो भी नेक काम का प्रारंभ करें भारत में वो बधाई के पात्र हैं। और इस जिंदगी का दोस्तों माफूम ये नहीं कि खाए पिए कुछ रोज और मर जाए आदमी। देखिए अपने लिए तो न जाने कितने आए और कितने चले गए जी जी कर, क्या वो जी पाए हैं? जो अपने लिए जिए उसको जिंदगी नहीं कहते। जिंदगी वही है जो एक हिस्सा कुदरत के नाम, एक हिस्सा प्रकृति के नाम, एक हिस्सा मानवीय सेवाओं के नाम कर दे, चाहे वो अपने कर्मों का करे, चाहे वो अपने धर्मों का करे, चाहे वो अपने साधनों का करे, चाहे वो अपनी जो भी आय के स्रोत होते हैं उनका करे, लेकिन ये करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे आपने ये जीतेगा फिर से इंडिया मेरा ये गाना गाया है, तो इसके इसके जो लिरिक्स है उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे कि आपको कैसे फील हुआ गाना गाने के टाइम पे, आपने जब ये सुना? अच्छा फील हुआ, और जीतेगा फिर से इंडिया मेरा भारत मेरा, वो इसलिए बात बड़ी सार्थक है क्योंकि भारत को बहुत ज्यादा मुश्किलों ने, चुनौतियों ने हमेशा त्रास दिया, हमेशा सताया है, परंतु फिर भी भारत पलट पलट कर ऊपर आया है। न जाने कितनी बार कितनी सारी परेशानियों से जूझते हुए मेरा भारत इतना आगे और इतना चमकता दमकता, इतना हौसलों के साथ ऊपर आया हिम्मत करके, कि देखिए न जाने कितनी आपदाओं से गुजर कर यहाँ तक आए हैं। हम
हम पहले पूरे विश्व की जीडीपी जो बोलते हैं ना, जीडीपी अंग्रेजी में, वो बहुत बड़ी थे, यानी 800 वर्ष पहले सौदागरी हमारे यहीं से होती थी, हमारे यहाँ से औषधियां जाती थी, हमारे यहाँ से ड्राई नट्स ड्राई फ्रूट्स ये जाते थे विश्व भर में। हमारे जो औषधि जिसको हम बाद में मसाला कहा गया, वो सब प्रसिद्ध हुए विश्व भर में। हमारी कॉटन प्रसिद्ध थी, तो ये विश्व को भारत देता था, भारत ने विश्व को शिक्षा सभ्यता पहनावा कपड़े वस्त्र खाने का बहुत सारा सामान अन्न, कितने सारे अन्न विदेशों तक पता भी नहीं थे, तो ये मेरा भारत देता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत को घेर लिया बहुत सारी आपदाओं ने, बहुत सारे आताताइयों ने, लेकिन उसके बाद भी मेरा भारत फिर से उभरा, फिर से निखरा, और उसी के गुणगान में ये गाना आया है, जीतेगा फिर से इंडिया मेरा। इंडिया तो बाद में बना, पहले भारत था और भारत ही ये रहेगा सच में। लेकिन ठीक है, आप इंडिया कहो हिंदुस्तान कहो, है तो भारत है। सर आप एक्चुअली, आपको अगर याद होगा तो आप इंडियन आइडल सीजन 1 के ऑडिशन में गए थे, उसके बाद नहीं, आपको गलत नॉलेज है। ओके, हम इंडियन आइडल 4 सीजन में जज रहे हैं। नहीं सर, ओके, वन में नहीं गए हम, वन का तो हमें पता भी नहीं था। ओके ओके जी, तो फिर भी आपने उनको देखा होगा रे सीजन 1 में जब वो गाते थे, तो उस समय में और आज के समय जब से उनका उद्भव हुआ हम तभी से देखते आ रहे हैं, क्योंकि मेरा भी उद्भव एक्चुअली अगर असली में देखा जाए शायद इंडियन आइडल सीजन 1 के लोग हमसे अपने कार्य के क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में सीनियर हैं शायद, क्योंकि 2004 से हमारा पदार्पण हुआ है भारत की संगीत की दुनिया में। 2004 में आया था अल्लाह के बंदे, तत्पश्चात 2006 में तेरी दीवानी आया था, उससे पहले हम भी रगड़ रहे थे अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं, ताकि किसी दिन इससे भी खुशबू आए। लेकिन हमको ये पता भी नहीं था कि भारत में ये इतना प्यारा एक शो आ चुका है जिसको इंडियन आइडल कहते हैं। ऐसे भी अगर वो मेरे समक्ष आता भी तो मैं मिसफिट होता उसमें। कारण क्या है, हमको फिल्मी गाने आते ही नहीं थे, तो कुदरत की बात थी, बाद में हम फिल्मों में आए या फिल्म हम में आ गई, ये कुदरत ने कुछ चमत्कार कर दिया, तो ऐसा हो गया। हमारे साथ चमत्कार बहुत हुए हैं। कुछ और प्यारा सा क्वेश्चन पूछा तो शुरुआत में वो कंपेटिटर्स थे, पर वो अभी तक इतने अच्छे दोस्त थे, उन्होंने हमारे देश के लिए आपके साथ जुड़कर एक गाना लाया था कि लोगों का हौसला बढ़ा सके, तो इसके बारे में आपको कुछ कहना है? कंपेटिटर होना, प्रतिस्पर्धी होना अच्छी बात है, परंतु शत्रुता नहीं पालनी चाहिए। क्या है, छोटी छोटी चीजों में हम अपना अहम ले आते हैं, अपनी ईगो ले आते हैं, उससे क्या हो जाता है, हम अपना विनाश करना शुरू कर देते हैं। कितने सारे लोग हैं न जाने कितनों की देखे, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊ, बाबा फरीद बोल रहे हैं, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चोपड़ी चुपड़ी हुई रोटी, देख पराई चोपड़ी मत ललचा वे जीव, अपने मन को कह रहे हैं कि हे मेरे जीव ज्यादा ललचा मत, क्योंकि वो अपने भाग्य का खा रहा है, वो अपने कर्म का खा रहा है, ये अपने कर्म का खाएंगे। तो ऐसे में किसी के प्रति ग्लानि रखना, निंदा भाव रखना और ज्यादा द्वंद्व का भाव रखना वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए इंडियन आइडल के सीजन 1 के जितने प्रतियोगी हैं, यदि वो मित्रता का भाव पहले रखेंगे तो ये प्रेरक बनेंगे दूसरों के लिए। आज ही प्रधानमंत्री जी का मैं एक यूट्यूब का ये देख रहा था, जिसमें उन्होंने ओलंपिक चैंपियन से बहुत ही हार्ट टू हार्ट एक मुलाकात की है, वो कितनी भावनात्मक मुलाकात है, कितने प्रेम से वो बात बता रहे हैं कि आपको संतुलित रहना चाहिए, प्रतिस्पर्धी होकर भी आप ऐसे ना करिए कि किसी को गुस्से में देखने लगे, शत्रु भाव में देखने लगे ना भाई, हमें भी जाना है ये दुनिया छोड़कर, एक दिन आपको भी जाना है, तो क्यों ना जब तक जाए तब तक ऐसे जाए कि भाई सब लोग बोले वाह भाई वाह, ये भी क्या जिया। तो ये वाला उदाहरण ये प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सारे प्रतियोगी। और कोई प्यारा सवाल? आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट जी, अभी हम लोगों का एक गाना आया है, ये है बदलता भारत, जिसके बहुत ही अच्छे चर्चे चल रहे हैं, अच्छे व्यूज आए हैं, अच्छे दृश्य भी आए हैं उस पर, और मैं भारत के सब संगीत प्रेमियों को, सब प्रशंसकों को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि देखिए जो लोग कहते थे कि सिर्फ फिल्मी ही म्यूजिक चलता है, तो अब इल्मी म्यूजिक भी चलता है, अब गहरे म्यूजिक जो भी लेकर आए, भले वो कोई भी हो कहीं भी बैठा हो,
तमीज से लेकर आए बस, और यूट्यूब नाम के एक प्लेटफॉर्म या मंच पर टांग भर दे, ठीक से टांगे, ऊट ऊट पटांग ना लिखे, बेहूदी बातें ना करे, अच्छे से हैशटैग सीख ले कैसे चिपकाने हैं, तो नई रणनीतियां हैं नई, उनको अगर पद्धति से सीख ले उसके बाद आप हैरान हो जाएंगे। यू नेवर नो, कोई पता लगा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, जो कभी सुना भी नहीं था हमने, मैन पार्ट में बैठा हुआ कोई लगा रहा अपना और उसका ये गाना पता लगा, लोगों ने प्यारा मान लिया और चर्चित हो गया। तो अब ऐसा समय भगवान ने दिया है, अब जैसे नारद घर घर घूम रहे हैं कि भैया आपकी कोई परेशानी हो तो मैं आया हूँ दूर करने, तो बस समय है अब जागरूक रहना है और अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध सभी को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत।